लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ग्रेड आई एमसीएचआई नई मुंबई यूनिट ने कोविड काल में जान का जोखिम लेकर उत्तम और उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 50 जनों को नई मुंबई रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित करने वाली है। ग्रेड आई एमसीएचआई के अध्यक्ष विजय लखानी और यूथ विंग के अध्यक्ष इजराइल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 27 मई को इसके लिए समारोह आयोजित किया गया है, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों इन कोविड योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ग्रेड आई एमसीएचआई नई मुंबई ने 50 व्यक्तियों को कोविड योद्धा और नई मुंबई रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित करने की तैयारी कर ली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेड आई एमसीएचआई के अध्यक्ष विजय लखानी और यूथ विंग के अध्यक्ष इजराइल शेख ने बताया कि 27 मई को वाशी के विष्णुदास भावे सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे आमंत्रित किए गए हैं। इनके हाथों 8 व्यक्तियों को नई मुंबई रत्न पुरस्कार जबकि शेष जनों को कोविड योद्धा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। विजय लखानी ने कहा कि नई मुंबई रत्न पुरस्कार का मकसद कोरोना महामारी के बीच उत्तम और उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले अधिकारियों, समाज सेवकों और डॉक्टरों को प्रोत्साहन देना है, ताकि उनसे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। देश एक ही है कि जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना की, उनको हम अगर शाबाशी दे दें खाली, अरे यार वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, जो कि सफिशिएंट नहीं है। जनरल लेवल पर लोकल संस्थाओं ने भी लोगों को अप्रिशिएट किया, वो भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन इस बार ग्रेड आई एमसीएचआई ने जब सोचा कि हम ऐसा कुछ करें लोगों के लिए जो कोई कर नहीं सकता है। अभी तक हमारे पास 45 अवार्ड्स जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। समझ के चलते हैं कि 50 के अप्रॉक्सीमेट अवार्ड हैं, जिनमें हम मिनिस्टर लोगों के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए 2 घंटे निकाल कर डिजर्विंग लोगों को आकर सम्मानित करेंगे और उनको अवार्ड देंगे। ये उनके लिए, मिनिस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट के लिए भी गौरव का काम की बात है, और जिन लोगों को ये देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। वहीं आयोजकों में शामिल ग्रेड आई एमसीएचआई की ट्रेजरर प्रिया गुरनानी, महासचिव सुमित अहलूवालिया, सचिव संग्राम पाटिल और पीआरओ श्याम बोरा ने भी विश्वास जताया कि यह सम्मान समारोह बेहद यादगार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।